अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। शाहिन साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों को मेरा सलाम। सर, दो चार खबरें हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप, ये बहुत ही कंसर्निंग किस्म की शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट आई है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। हो ओके सकती हैं। एक तो आज मुझे एक अमेरिकी सहाफी का फोन आया और फिर मुझे एक पाकिस्तान से भी फोन आया। एक सेकंड रुकिए, इसको मैं, हाँ ठीक है। हो सकती हैं। एक तो आज मुझे एक अमेरिकी सहाफी का फोन आया और फिर मुझे एक पाकिस्तान से भी फोन आया। दोनों ने एक जैसी बातें की। अमेरिकी सहाफी ने जो मुझे खबर दी उसने कहा कि एक महकमा है आपका एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, महकमे का उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड, उसके अंदर डीजीज की एक डीजी की मीटिंग हो रही थी जिसमें ब्रिगेडियर रैंक के बहुत सारे लोग बैठे थे और उन्होंने उसमें ये पूछा डीजी साहब ने कि अगर इमरान खान साहब ना रहे तो मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा, क्या माहौल होगा। सामने बैठे लोग खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद एक शख्स ने पूछा कि ये एक वहां पर हाजरीन में से पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूं कि अगर इमरान खान ना रहे तो फिर आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या माहौल होगा, मीडिया क्या रिपोर्ट करेगा। फिर भी जब कोई नहीं बोला तो वो खुद से बोले, उन्होंने कहा कि इमरान खान को बहुत बड़ा आदमी बताया जाएगा, उसे कौम का हीरो बताया जाएगा, बताया जाएगा कि उसने कैसे कुर्बानी दे दी और फिर एक महीने के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अब ये मुझे पाकिस्तान से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत ने तकरीबन इससे मिलती जुलती बात बताई, ये अमरीकी सहाफी ने भी एक ने मुझे, असल में उन्होंने उनके पास ऐसे ही खबर आई थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कोई अपने जराये से कंफर्म कर सकता हूँ और ये खबर आप हो सकती है। सर, ये तो बहुत ही एक कंसर्निंग किस्म की खबर है, और वो तो तैयारियां कर रहे हैं कि हमने, जब इस तरह की हरकत करने के बाद, हमने मीडिया को कैसे मैनेज करना है, लोगों को किस तरह मैनेज करना है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बात बात बिल्कुल सही है। यार मेरा ख्याल है जो कुछ इन्होंने सुना है ये बिल्कुल सही होगा। ये तो आज से नहीं, ये तो कई महीनों से तैयारियां कर रहे हैं सर कि जी इसको हम एलिमिनेट करें तो कैसे मैनेज करेंगे। और वो तो काम उनका गड़बड़ होता रहा और नहीं कर सके वो। और फिर वो इलेक्शन पे उनका ख्याल था कि जी इलेक्शन हो जाएगा तो ये लोग रह जाएंगे तो फिर हम इसको वैसे खत्म कर देंगे। इलेक्शन में वो चढ़ पे चढ़ गए आगे पीटीआई वाले और लोग पाकिस्तान के अवाम तो वो फिर रह गए। इसी तरह कई दफा इन्होंने जो तो प्लान बना के बैठे हुए हैं कि जी इनको इसकी एलिमिनेशन के बगैर पाकिस्तान आर्मी का रूल नहीं चल सकता पाकिस्तान में। अब झगड़ा ये है कि जी इन्होंने ये आसिम मुनीर साहब ने, पागल के बच्चे मैं कहूंगा कि जी जब बने थे तो इन्होंने पहला अपना ये इश्यू बना लिया कि जी मैं और इमरान खान एक साथ नहीं चल सकते, इसको एलिमिनेट करना है बस। और सारी उन्होंने अपनी एनर्जीज इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री इंटेलिजेंस सब उस पर लगा दिया कि जी इनको खत्म करो और वो कर नहीं सके। अब यहां तक आ गए कि जी एक रात में 250 300 400 अभी तो फिगर आएंगे लेकिन मार दिए कोल्ड ब्लडेड। और ये बिल्कुल अब मैड सिचुएशन में मेनियक जिसे कहते हैं ना वो हो गए। अब इनकी लाइफ डोर डाई और इमरान खान साहब की तो लाइफ वैसे है ही एक थ्रेट पे, तो ये भी अब उस पोजीशन में आ गए कि जी ये तो हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, आपने इतने लोग भी मार दिए, इतने इलेक्शन भी कर लिए, गवर्नमेंट भी बना ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा, आप इस बंदे को उठाओ। और ये पागलपन में कर देंगे अनलेस द इंटरनेशनल कम्युनिटी, द यूनाइटेड नेशंस, बाकी सब लोग आके रैली करें और शोर मचाए कि जी ये यू कांट डू इट। और ये इसमें पीटीआई की जो अपनी लीडरशिप है और उनके जो लोग हैं उनका बड़ा रोल है। वो इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी डिफेंसिव पोजीशन में है, वो अपने आप को क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं जी मैं इधर था उधर भागा, ये सब चीजों का वक्त नहीं है। वो आप बैठ के दुनिया को बताएं कि जी इन्होंने क्या किया है, कैसे किया है और अब ये क्या करने जा रहे हैं और इसको रोकें आप। ये सब छोड़ दें कि जी कौन भाग गया, कौन गाड़ी में था और कौन जूते छोड़ के भाग गया, ये सब बातें करने की बाद में। इमरान खान की लाइफ इज नंबर वन प्रायोरिटी। मैं तो ये एक जगह और भी मैंने कहा स्पेस में, इनकी पीटीआई के बहुत से लोग बैठे हुए थे कि जी आप कोशिश करेंगे इमरान खान मुल्क से छोड़ के बाहर ही चला जाए कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट ही शुड सेव हिज लाइफ। और दिस इज आई थिंक इज द टॉप इश्यू राइट नाउ। शाहिन साहब, ओके सॉरी, आपकी वीडियो फ्रीज हो गई थी बीच में। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा ये इनकी पार्टी के हवाले से भी बात कर लूँ, यानी कि आप ये देखें कि जो कुछ हुआ है तो अभी तक तो लोग शौक से ही नहीं निकल पा रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मुझे जो है ना, पहले एक दिन तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है, फिर अगले दिन मैंने, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिंक इन होती हैं, आपको रियलाइजेशन होती है कि जी कितना बड़ा सानिया हो गया है, यानी कि मैसेकर हुआ है इतना मैसिव। और उसके बाद जो है, जो पार्टी की तरफ से जो हमें लोगों को थोड़ा
थोड़ी बहुत तसल्ली आनी चाहिए थी, क्योंकि क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ बताते ही नहीं है ना, लोगों को अगर कोई रास्ता नहीं बताते हैं, तो फिर लोगों ने और ज़्यादा डिप्रेशन और पैनिक के अंदर चले जाते हैं। ये इनकी आपस में ही लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो ये इनकी तरफ से एक तो ये मसला ये है कि वो गंडापुर साहब ने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब उनकी बात को कोई सीरियस ही नहीं लेता है गंडापुर साहब की। अब गंडापुर की तो ये सर सिचुएशन हो चुकी है। बात यह है कि जी ये लोग इंटरनल क्रिटिसिज्म इतना इन पे हुआ कि जी आप लोग कहाँ भाग गए। ये गंडापुर साहब का तो पहली दफा तो नहीं थी ना, तो पहले भी ये कर चुके थे और फिर भी उन्होंने वही किया। चले वो हो गया। बुशरा बीबी आई, वो भी उनको भी साथ लेके चले गए। आम लोगों को अगर आपने एक जाके ट्रैप में फंसा दिया है और वहां कोई लीडरशिप नहीं है, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या बैठना है, कौन खाना देगा, कौन हमारा टेक केयर करेगा, और गवर्नमेंट तैयार थी, फौज तैयार थी, उन्होंने स्नाइपर सारे चारों तरफ लगाए हुए थे। जियो का ऑफिस जो बिल्कुल डी चौक पे है, मैं वहां कितने साल वहां बैठा रहा, ऊपर स्नाइपर खड़े कर दिए, हर बिल्डिंग के ऊपर से स्नाइपर खड़े कर दिए उन्होंने, और कहा कि अंधेरा हो गया, लाइटें वाइटें बंद करो, एंड देन दे स्टार्टेड शूटिंग। आओ जी, तो लोग लोग किधर जाए बेचारे। वो तो कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई डीए खान से आया, कोई कोयटा से आया, कोई कहाँ से आया, उनको क्या पता है कि किधर भागना है, इस्लामाबाद में कहाँ जाना है, क्या करना है। वो जाहिर है अफरा तफरी हो गई और लोग इतने मरे और लोग भागे। अब ये कहते हैं कि जी हमने सब कंट्रोल कर दिया, कब्जा कर दिया, कॉन्कर कर लिया अपने लोगों को। अरे उल्लू के पट्टो, ये आपने अपने अपने ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है कि आप इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको आप देखेंगे, आप ये जो दिखा रहे हैं कि ये निशानाबाजी में महारत, निशानाबाजी अपने लोगों पे अंधेरे में लेटे हुए सोए हुए नीचे सड़क पे लोगों पे नहीं होती, ये आपको पता नहीं है, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। सर आप जी सर आप अंदाज़ा करें कि ये आसिम मुनीर साहब ने ये आज ये स्टेटमेंट जारी की है, आप अंदाज़ा करें कि कितने लोगों का कत्ल हुआ है, कितने लोगों का कत्ल जी हुआ सर, है, और स्टेटमेंट मसैकर मसैकर हुआ, कत्ले जी आम हुआ, जैसे बिल्कुल। और कोल्ड ब्लडेड, मतलब कोई लड़ नहीं रहा था, उन्होंने बस बैठ के गोलियां मार दी। आज स्टेटमेंट क्या जारी की है? कहते हैं निशानाबाजी में महारत बुनियादी फौजी तरबियत के मकासद में सबसे अहम होनी चाहिए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये जो उन्होंने स्नाइपर खड़े करके ना अंधेरा करके जो गोलियां चलाई हैं, ये उनको दाद दे रहे हैं ये बैठे हुए। ये बयान उन्होंने दिया कहाँ है, किसके सामने दिया है, दर कोई डिटेल है इसकी? सर ये कोई इवेंट हो रहा था आर्मी का, और इवेंट भी हो रहा था आर्मी राइफल एसोसिएशन, उनकी तकरीब से ये खिताब कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, अब आप अंदाजा करें टुडे ना इन्होंने क्या परफेक्ट वाज टाइमिंग के साथ जो जो राइफल जो स्नाइपर शूटर होते हैं वो यही राइफल ही इस्तेमाल करते हैं राइट। कत्ल जी जी करने जी के हाँ लिए, बिल्कुल। और उसी की उन्होंने वहां पर इवेंट रखा है और वहां पर जाकर ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है। हाँ तो वो तो फिर मतलब प्लान तरीके से आए थे मारने के लिए, और मार के, और अब वो क्लियर करेगा ये देखिए हमारा निशाना कितना मजबूत है। ये भी नहीं उन्हें पता होगा कि आपने औरत को मारा है, बच्चे को मारा है, आदमी को मारा है, किसको मारा है, ये बस शूट कर दो, राइफल निशाना लग गया। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो सारे कंटेनर लगा के बुलडोजर से बॉडीज को भर के और ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाके दफन करेंगे, बता भी नहीं रहे। मुझे एक मेरी एक डॉक्टर से बात हुई इस्लामाबाद में, एक हॉस्पिटल की पॉलीक्लिनिक था या वो पेम्स था या जो, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा कि जी मैंने खुद 100 बॉडीज को ये लेके आए और सीधा ले जाके उन्होंने कहा इनको मुर्दा खाने में डाल दो, कोई नहीं पूछना कि कौन है ये, इसका क्या नाम है, क्या पता है, सबको डाल दो, और आगे फौजी को खड़ा कर दिया कि यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। वो डॉक्टर भी हैरान था, वो अपने उसकी फैमिली कहीं यूरोप में थी, उससे बात कर रहा था कि जी मेरे सामने ये हुआ, मैं तो अब यहाँ काम नहीं कर सकता। इस तरह के कई जगह उन्होंने किए, और अब टोटल नंबर आए, कितने लोग गायब है, कितने लोग मर गए, कितने लोग जख्मी है, ये काम अब पीटीआई वालों को करना है। ये पीटीआई वालों को छोड़ देंगे जी, कौन कर रहा क्या कर रहा था, आपस में लड़ाई बंद कर दे। ये इश्यू दुनिया का सबसे बड़ा एक इश्यू बनने वाला है अभी आपके चंद दिनों में। आप देखेंगे ये कि जी ये जो अब गाजा को, और उनको तो हम कहते हैं कि जो इसराइली ने मार दिया और इतने मार दिए, वो तो कोई खबर ही नहीं है, ये पाकिस्तानी अपने लोगों को मार रहे हैं। इंडिया वाले कहेंगे जी आप अपने आप को संभाले, दुनिया भर में मुंह काला करा लिया इन्होंने अपना, और आप ये खुद भी नहीं रह सकते, इनके पास भी एक ही रास्ता है, अब या तो सबको मारो और या फिर खुद भागो।
ये तो इन्होंने ऐसी पोजीशन ले आया है कि ये पाकिस्तान का तो बट्ठा बिठा दिया इन्होंने, और अगर ये रह भी गए तो आप सोच लें कि जी खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में इनका फौजी कोई बाहर निकलेगा तो पीछे से गोली आएगी ठा, ये बाहर नहीं निकल सकते, आप देख लीजिएगा। सर, ये पेम्स के हवाले से आपने मुझे कल टेलीफोन के ऊपर ये खबर बताई थी कि आपकी वहाँ पर डॉक्टर से बात हुई और ये सारा कुछ है, और इस बात की कॉन्फर्मेशन आज सोशल मीडिया के ऊपर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि लाशें आज रात एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही हैं, ये जो अभी रात गुजरी है ना, बिल्कुल और इसका मतलब ये है कि वो लोग मर चुके हैं, अब हमेशा के लिए मिसिंग पर्सन हो चुके होंगे। सर, मेरी एक पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी जो कि ये जो जिनको सो कॉल्ड टेररिस्ट जो कहते हैं, जिनको हमें तो मीडिया में यही बताया जाता है ना कि हमने इतने टेररिस्ट मार दिए और ये कर दिया, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, बल्कि मैंने उनसे उन्होंने मुझे बताया कि वो सवाबी से हैं। वो कहते हैं कि हम जो ये जो मिसिंग पर्सन है ना सारे, इनको हम क्या करते हैं, दरियाए काबुल गुजर रहा है वहां से, कहते हैं वहां पे चलो स्पेसिफिक जगह बनाई हुई, वहां पे हम फेंक देते हैं। कहते हैं फिर पता ही नहीं चलता है, फिर ये लोग अब वो जो बलोची और ये उनकी जो औरतें, वो सारा दिन सड़कों के ऊपर बैठी होती हैं, बैग कर रही होती हैं कि प्लीज़ हमारे हमारे जो लव्ड वंस हैं उनको हमें वापस करो। वो ख़त्म, कहते हैं वो ख़त्म बिल्कुल हो चुके होते हैं, कहते हैं वो उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। कईयों को वो क्या करते हैं, उनकी आंखें निकाल के जो है ना, वो उनकी लाशें वहीं पर फेंक के चले जाते हैं ताकि दूसरे जो लोग हैं उनके अंदर खौफ फैले। सर, ये तो टैक्टिक्स हैं इनकी ना, मगर ये तो आप दुश्मन मुल्क में कॉन्कर्ड, आपको दुश्मन का आपने मुल्क पे टेरिटरी पे जंग करके आपने कब्जा किया है, वहां में नहीं करते इस तरह के काम। और ये लोग अपने एक कुर्सी बचाने के लिए, 1 साल के एक्सटेंशन के लिए और 1 साल की नौकरी के लिए ये सब कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है सर। ये कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसकी बड़ी कीमत भुगतनी पड़ेगी, आपका मुल्क जो है ना दो नहीं चार टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और ये फिर भी खुश होंगे कि जी हमें पंजाब में बस मैं चीफ बन के बैठ जाऊं और मरियम नवाज मेरी चीफ मिनिस्टर हो, और बस रात को मजे खुश हो और सुबह को हम आपस में मिलकर सब हुकूमत करेंगे, पाकिस्तान जाए बाढ़ में जैसे इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया रहे, जाए जी निकल जाए। अच्छा हम वो निकल गए, आपसे भी आगे निकल गए, उनको आपने भगाया था कि हमारे ऊपर बोझ है, वो अब जाके आपसे निकल गए, तो ये करने को तैयार है। इनको रोकने के लिए अगर आप इजाजत दें तो मैं कह सकता हूँ फौज के अंदर से लोगों को निकलना पड़ेगा कि जी ये जो इन्होंने बर्बरियत और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है इसको रोकने के लिए, अगर वो भी इनके साथ शामिल है तो फिर जाए अल्लाह मालिक है, फिर देखेंगे। सर, ये तो और कोई इसका तरीका नज़र नहीं आ रहा। अब आप अंदाज़ा करें, छोटे छोटे बच्चे, मैं वो लिस्ट देख रहा था, वो इंजर्ड की जो इनिशियली जो पॉली क्लिनिक्स ने इशू की थी, उसके बाद फिर उन्होंने उसको हटा दिया था क्योंकि ये उधर पहुंच गए थे सारे फौजी, और फिर आपको पता है फिर मतीउल्लाह जान साहब के साथ भी यही हुआ, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनको भी उठा के उन्होंने गायब कर दिया है। तो अब आप अंदाज़ा करें वो मासूम। तो देखिए, वो जी हर जी टैक्टिक करेंगे कि कोई असली असलियत पे सच पे ना पहुंच सके, ना देख सके, ना कोई रिकॉर्ड कर सके, ना एविडेंस बना सके, ये तो ये करेंगे और वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये असली टेस्ट जो है ना, ये पाकिस्तान के उन लोगों का है जो वाकई बिलीव करते हैं कि यार ये गलत हो रहा है और हमें अपनी चाहे जान की लगानी पड़े या अपना जो भी कुछ करना पड़े, खतरा मोल लेना पड़े, हम इसको रोकें। और अगर ऐसे लोग नहीं है पाकिस्तान में तो फिर ठीक है, चले फिर पाकिस्तान का जो हशर होगा तो फिर होगा। अगर पाकिस्तानी खुद ही नहीं चाहते कि जी आप ये सब बंद होना चाहिए, अब ये मतलब शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी उन्होंने ये अब सारा जिम्मेदारी, देखिए ये पॉलिटिशियन जो है ना ये बड़े हरामी होते, आर्मी चीफ में फसादियों से भरपूर तावन किया, अभी सारा जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं कि जी कल को जब ये वक्त आएगा तो हम कहेंगे जी ये वो कर रहे थे, हम नहीं थे। तो सर, मैं इनकी ज़रा एक्सप्लेन कर दूं, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कल स्टेटमेंट दी है और उसमें कहते हैं जो है ना, मैं आर्मी चीफ का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, हम बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और इस तरह करके। अच्छा, बेशुमार फिर लोगों को मार दिया वो और वाली जो स्टेटमेंट थी ना, वो इतनी क्लियर नहीं थी। उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर एक स्टेटमेंट दागी है, कहते हैं अच्छा आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में फसादियों से निपटने के लिए भरपूर तावुन किया, हमारी फोर्सेज ने बेहतर हिकमत अमली के साथ एहतजाज का खात्मा किया। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई
इन्होंने तो साइड के ऊपर हो जाना है, बाद में मुझे ही रगड़ देना है, तो मैं अच्छा अभी से जरा बात बार बार ये बात करके ना बता दूं लोगों को कि भाई ये मैंने नहीं किया, ये इसी ने किया है। ये भी आप कह रहे हैं, और वो मैंने सुना था राणा सनावड़ा साहब जो इनके बड़े मुच्छड़ वो जो है ना गुजर खान क्या जट मौला जट जो है ना वो उनसे जब पूछा किसी टीवी वाले ने कि जी ये मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ ये, नहीं गलत किया। उन्होंने कहा, उन्होंने भी मलबा उन पर डाल दिया कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ और मैं जाके कहूंगा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर के जी ये ना। सब भाग रहे, पॉलिटिशियंस भाग रहे क्योंकि उनको पता, कम अज कम अकल तो उनमें है, उनको फंसे हुए हैं, वो इनके नीचे लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता तो है कि जी ये क्या हुआ है और इसका क्या नतीजा निकलेगा और भुगतेगा कौन, तो जान छुड़ा रहे हैं सब अब। सर उन्हें पता है ना ये, क्योंकि सारा कुछ जो ये सब कुछ हुआ है ये मैसेकर तो मोहसिन नकवी ने हैंडल किया है सारा, हेड तो वही कर रहा था बाकी सब यार वो तो चीजें। एक छोटा लेकिन सा लेकिन जोकर सर है, उसका क्या सामने तो है, वही सामने है ना, सामने तो वही है ना। वही। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका क्या नाम वो नाम किसका आता है जी, राणा सनाउल्ला और ये शहबाज शरीफ, ये इनको अंदाजा है कि ये सब कुछ इन्हीं के ऊपर डाल के उन्होंने भाग जाना है, कि ये तो बिलियनियर बन जाते हैं जो भी चीफ आता है सर आर्मी। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, मोहसिन नकवी उनके मिनिस्टर है, वो तगड़े हैं, उनको ये नहीं रोक सकते, वो इस पर पावर में, ये बस खाली बयान देते हैं कि जी हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपके मिनिस्टर ने किया, आपने उसको रोका, आप पूरे जिम्मेदार हैं सर। ये भागेंगे कहा, अभी तो आएगा वक्त तो फिर देखेंगे ना ये सर कहाँ ये जाएंगे बात। उसके बाद फिर ये जिला कुरम में यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? 100 सिर्फ कल कल में 100 तकरीबन 11 लोग मर गए हैं उधर, और 150 अफराद जख्मी हैं, यानी कि घुमसान की जंग हो रही है इस वक्त उधर। सर मैं आपको बता दूं कि ये जो कुर्रम में जो कुछ हो रहा है ना, ये लोग इल्जाम दे रहे हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, उन पे इल्जाम दे रहे हैं। उनका एक डेलीगेशन जहाज में गया था, वहां पे उन्होंने जहाज पे फायरिंग वायरिंग करके उतरने नहीं दिया उन्होंने, या पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर गया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। ये होगा थोड़े दिन के बाद कि जी वो जो लड़ रहे हैं वो, और ये जो पीटीआई वाले, और ये जो पीटीआई के बगैर जो पठान जिनके लोगों को उन्होंने मारा है और गायब कर दिया है, वो सब बंदूकें उठा के उनके साथ मिल जाएंगे, कह के आओ आप निकलो, कोई फौजी हमारे सामने जो आता है, और फिर ये काम जब शुरू होगा तो इनके बाप से भी नहीं रोका जाएगा। तो ये पता नहीं किस दलदल में अपने आप को गिरा दिया, और फिर इनका ये होगा कि ये जहाज पकड़ के भाग जाएंगे, आप भुगतते रहे जो भुगतना है, तो चले सर देखें कौन आप कौन बचेगा भुख। जिस जिस बाप के 17 साल बेटे को इन्होंने वहां पे कत्ल किया है, मुझे बताएं, आपने जी उसको देखा होगा, उसका इमेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बेचारे की वो आपको जी उसकी आंखों से नजर आ रहा है कि वो कितने पेन के अंदर है वो बंदा। अब आप मुझे बताएं, वो मासूम लोग, शरीफ लोग, सिर्फ अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे कि यार हमारे हमारे बच्चों का, उसकी उसकी स्टेटमेंट थी, कहते मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बच्चे, ये मेरा बेटा है, इसका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, इसको कमाने के जराए बेहतर मिल जाए, हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाए, ये यानी कि शरीफ लोग थे वो। अब उसके बेटे को उन्होंने कत्ल किया है, मुझे बताएं कि वो कहाँ जाएगा, ना अदालतें काम कर रही, कुछ भी सर नहीं, कुछ एक ये तो आपको चंद गिने चुने एक एक केस मिल रहे हैं जो कि सामने आ गए। अभी तो हंड्रेड ऑफ सच केसेस आर लाइंग देयर, जो कि जिनकी बॉडी ही नहीं मिलेगी, जिनका पता ही नहीं चलेगा कि वो गए कहाँ, और उनकी फैमिलीज जो है ना वो सारी उम्र इनसे लड़ती रहेंगी, कहेंगे जी हमारे बंदे को आपने मार दिया, हमें उसकी उसकी बॉडी भी नहीं दिया। ये सर आपको तो गाजा जी, में या दूसरी जगहों में, ये तो वहां भी नहीं होता। सर आपको पता है कि टीटीपी ने राइट अवे उसके बाद कंडेम किया है ये जो हुआ है मैसेकर हुआ है, इसको कंडेम किया है। अब आप मुझे बताएं कि इनसे पहले ही ये वो लोग समझ संभलते नहीं हैं, तहरीके तालिबान वाले, अब जो इन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान को उनकी तरफ धकेल रहे हैं कि भाई तुम सही जंग लड़ बिल्कुल रहे हो, ये देखो ये तो हमें भी कत्ल करने के ऊपर आ गए हैं। ये अब अपनी एक कुर्सी बचाने के लिए, अपना एक पाव घोष बचाने के लिए पूरा ऊंट भैंस गाय पूरा गल्ले जो है ना वो कुर्बान कर देंगे। ये पागल लोग हैं सर, इनको कोई कोई ना कोई बैठ के पीछे से देख रहा हो, अगर समझ रहा हो तो वो कहे कि यार ये अपने एक एक कुर्सी के लिए, एक साल के लिए ये आप पूरे पाकिस्तान का बेड़ा कर देंगे, 10 टुकड़े कर देंगे, फिर हम किधर जाएंगे। तो ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, और अभी तो इंटरनेशनल जो आप देखेंगे अगले 2 4 दिन में, 10 दिन में प्रेशर जब बिल्डअप होगा, जब इनकी डिटेल्स आएंगी। मैंने उनसे पीटीआई वालों से भी कहा कि आप ये झगड़ा वगड़े छोड़े, आप जमा करें कितने लोग आपके गायब हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग इंजर, उन सबको आप लेके आए केपीके में, वहां जाके उनको कैंप बनाए, उनको खाना
खाना दें, उनकी फैमिलीज को बुलाएं, उनको सपोर्ट करें, और दुनिया भर को बुला के वहां दिखाएं कि जी ये हमारे साथ हुआ है और ये हम कर रहे हैं और ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट है वहां की, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, आपको करना चाहिए। आप क्यों डिफेंसिव हो के आपस में लड़ रहे हैं और गवर्नमेंट का काम कोई कर ही नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये उनके लिए अभी ये टारगेट का ये होना चाहिए कि ये लड़ाई झगड़ा छोड़े। ये जो जो इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज अभी बनी है, इसको पकड़े और दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को, एमनेस्टी को, ह्यूमन राइट्स वालों को कहीं भी जाके जाके बताएं कि जी ये आप इसमें फोकस करें, और बुलाएं दुनिया के डेलीगेशन के, जी आप आए, हम आपको केपीके में इनवाइट करते हैं और आप आए देखें, उनसे पूछें और बात करें। सर उन्होंने उनको धमकियां लगा दी ना कि अगर तुमने और कुछ ज़्यादा उछलने की कोशिश की ना तो हम यहाँ तक तुम्हारे लोगों को कत्ल कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम क्विकली गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। वो तो गवर्नर राज चले लगा ले, वो तो गवर्नर राज क्या, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही उन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। गवर्नर राज तो खैर छोटी सी नहीं बात सर, है, गवर्नमेंट ले लेकिन लेंगे ना फिर इनसे, गवर्नमेंट ले लेंगे ले तो ले फिर लेकिन लेकिन आवाम की सपोर्ट और आवाम की जो लोग हैं वो तो इनसे नहीं ले सकते। वो तो जाके फिर अपने अपने इलाकों में पहाड़ों में बंदूकें लेके खड़े हो जाएंगे, निकलो फौजी को आओ, और वो आगे बढ़ते जाएंगे और आ जाएंगे इनके शहरों के करीब। अब शहरों से तो बाहर निकलो, ये होने वाला है, आप देख लीजिए इसी तरह होता है। मैं काबुल की वॉर 92 में जब ये मुजाहिदीन और उनकी जो टेको और काबुल फतह हुआ था, मैं उस वक्त वॉर कवर कर रहा था, वहां गया हुआ था। हर रोज ऐसा होता था कि वो आधा मील 1 मील तालिबान, और मैं भी उनके टैंकों पे बैठ के गया था। मेरे पास तस्वीरें हैं उनके टैंकों पे, गन भी उठाई हुई है मैंने तस्वीरें खिंचवाने के लिए। हम सब उनके साथ जा रहे थे, और रोज ही होता था बयान इधर उधर आते थे आधा मील और वो आगे बढ़ जाते थे, और फिर एक दिन आया कि जी वो काबुल जो था वो फॉल हो गया, और वो जो प्रेसिडेंट साहब थे उनको पकड़ लिया गया और लटका दिया गया सड़क पे। तो ये तो ऐसे ही होगा, ये वहां से जब लोग निकलना शुरू होंगे, इन्होंने ये स्टेज पे पहुंचा दिया है मुल्क को कि पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकता, बात नहीं हो सकती, अब बंदूक से बात होगी तो वो भी आ जाएंगे। फिर उनके पास तो हर एक के पास बंदूक है यार, उनको क्या मसला है। तो सर ये अब ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ है अभी तक तो लोग बिल्कुल ऐसे जो है ना फ्रीज हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो आपको लग रहा शॉक है में, कि अभी तक शॉक में है बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि अब ये आने वाले जब दिन होंगे, जब दिन आने वाले दिनों में जब लोगों को रियलाइज होगा कि क्या हो गया उनके साथ, तो आप किस तरह का रिएक्शन वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ये बिल्कुल होगा, और ये पीटीआई की जो लीडरशिप है उसका काम है, जो सेन लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ये अपनी आपस की लड़ाई बड़ाई छोड़े, वो ये इस पे फोकस करें कि जी हम हमारे कितने लोग गए थे, कितने लोग वहां से वापस आए, कितने मिसिंग है, कितने मर गए, कितने जख्मी है, उन सबको बुलाए, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे उनको लाए, इंटरनेशनल लोगों को, डिप्लोमेट्स को बुलाए, दुनिया भर से बुलाए, इस्लामाबाद में सारी एम्बेसीज है उनको बुलाए, इस्लामाबाद में जाके एक 10 लीडर उनके एक्स प्रेसिडेंट और एक्स जो सारे मिनिस्टर बैठ के लीडर ऑफ द अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सारे डिप्लोमेट्स को बुलाए, उनको दिखाएं। इनको ये डिप्लोमेटिक एक दुनिया भर को बताना पड़ेगा, ये अकेले अभी नहीं, और ये अगर इसमें फेल हो गए तो फिर लोग कहेंगे ठीक है जी आप कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी बंदूक उठा के चलते हैं, फिर हम भी लड़ेंगे। तो ये तो फिर फ्री फॉर ऑल हो जाएगा, ये तो आप फिर पाकिस्तान को अटक का पुल सारे टूट जाएंगे, मोटरवे शोटरवे फिर आपकी बात हो जाएगी, फिर आप कर ले जो करना है। अल्लाह खैर करे सर, आई होप हालात चले इस लेट्स नहज के ऊपर नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। टॉक अगेन, थैंक यू।